Good morning, everybody. Today, I will teach you deep water lesson 3 of flamingo. This is lesson 3 of flamingo. In previous videos, I have done 2 lessons, and today I will do 3rd lesson. देखिए डीप वाटर में विलियम डॉगलस खुद के बारे में बोलते हैं, वही नरेटर हैं। उनको जो है पानी से बहुत डर लगता है, वो जो है बहुत पानी से डरते हैं। एक बार वो अपने पिताजी के साथ जो है एक समुद्र के किनारे गए थे बचपन में। समुद्र की लहरें जो हैं उनके सर के ऊपर से क्रॉस कर गई और वो उन पानी ने उनको दबा दिया। उस दिन से ये पानी से बहुत डरने लगे। अब ये कहीं भी पानी के पास जाना नहीं चाहते थे और उनकी माँ भी जो हैं उनको जाने नहीं देती थी पानी के पास, पानी के नज़दीक कभी भी नहीं जाते थे। एक दिन वो एक YMCA पूल पे गए। मैंने इस प्लेस का नाम लिखा है आपको, एक YMCA पूल पे गए। और इस पूल पे एक्चुअली इस तरह का बनाया गया था कि जो शैलो एंड था, जो छिछला एंड था, जहाँ कम पानी था, वो 2 से 3 फीट गहरा था और डीप एंड 9 से 10 फीट गहरा था, जो डीप एंड में पानी था। तो ये जो है जो शैलो एंड है वहाँ पर स्विमिंग सीखने के लिए उस तरह का व्यवस्था किया गया था, पुली वगैरह लगाया गया था। तो वो एक बार YMCA पूल पे गए और वहाँ अकेले ही खड़े थे। तब तक पीछे से ए बिग बुली ऑफ बॉय, इसका हिंदी एक बड़ा धौसिया वाला लड़का है, हट्टा कट्टा लड़का एक आता है और उनको बोलता है, ए सुक्कड़, ए सिक्की, ए स्किनी, और उनको हाथ में लेकर के उछाल देता है पानी में। उसको लगता है क्या कि ये बच्चा जो है आया है, पार्टनर ढूंढ रहा है, ये तैरने के लिए आया। उसको ये नहीं पता कि ये तैरना जानता ही नहीं है। वो उसको पानी में उछाल देता है। अब डॉगलस पानी में चले जाते हैं। पानी में चले जाते हैं तो ये अपने से बहुत प्रयास करते हैं कि पानी, बहुत हाथ पांव चलाते हैं कि ये पानी के ऊपर चले आए। ये 9 फीट गहरा वाले एंड में उसको उछाल देता है। ये 9 फीट गहरा इनके लिए 90 फीट गहरा के बराबर नज़र आता है। बहुत कोशिश करते हैं लेकिन ये शोर से, उसके किनारे से टकराते हैं और फिर जो है ये बेहोश होना, पानी पीना शुरू करते हैं और फिर ये नीचे चले जाते हैं। इधर जो ये लड़का जो है ये तैर रहा होता, उसको लगता, अरे इतना देर हो गया, जिस लड़के को मैंने फेंका था वो तो बाहर आया ही नहीं। फिर उस वो जो बहुत एक्सपर्ट होता है तैरने में, वो किसी तरह इनको बाहर निकालता है। जब इनको होश आता है तो देखते हैं ये कि मैं तो पेट के बल लेटा हुआ हूँ और उल्टी कर रहा हूँ। अब तो ये डर से इनका पैर हाथ कांप रहा था, ये किसी तरह घर पहुँचे। डर जो है, ये करीब 10-11 साल के थे तो ऐसा इवेंट, ऐसा मिस एडवेंचर इनके साथ हुआ। अब इसके बाद इनका डर इन पर जो है वो गहरा होता चला गया। अब ये पानी से बहुत, इनका कभी भी ये पानी के पास अकेला जाते नहीं, अगर जाते भी थे तो ये बहुत डरे हुए रहते थे। लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि मैं अपने डर पे काबू पाऊंगा, क्योंकि वो उनके दोस्त फिशिंग करने जाते थे, बोटिंग करने जाते थे, तो ये जो स्विमिंग करने जाते थे, ये सारे इनका एंजॉय जो है वो ये सब चकनाचूर हो जाता। ये मतलब ये सब एंजॉय से दूर रहते थे, इनको बड़ा अखरता था क्योंकि इन्हें स्विमिंग बहुत पसंद था। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं ये सीख लूँ स्विमिंग। उन्होंने एक इंस्ट्रक्टर रखा और वो इंस्ट्रक्टर क्या किए कि वो YMCA पूल पर ले गए, क्योंकि वो परफेक्ट था, वो 2 से 3 फीट गहरा था शैलो एंड पे, छिछले एंड पे। तो वो उनके बेल्ट से एक रस्सी बांधते, एक रोप बांधते हैं, और जो पुली होता है, पुली समझते हैं आप, कुआं में एक व्हील टाइप का लगा रहता है। क्लास 11 के बच्चे अगर साइंस के होंगे तो उनको पता है पुली क्या है। तो पुली, लेकिन बाकी सभी बच्चों को ये पता है कि कुआं में जो एक व्हील लगा रहता है, दैट इज़ कॉल्ड पुली। तो वो पुली के सहारे उनको रस्सी को एक एंड को वो उनके कमर में बांध देते हैं बेल्ट के सहारे, और दूसरे एंड को पुली के सहारे पकड़ लेते हैं। वो सबसे पहले उनको पानी में
जो ब्रीदिंग का सिखाते हैं कि किस तरह पानी के अंदर आप सांस को किस तरह छोड़ोगे, किस तरह आपको सांस लेना है तो किस तरह अपने नोज को पानी के बाहर ले आकर के ये करोगे, मतलब कि नोज को किस तरह सांस को इनहेल करोगे, इस तरह एक्सहेलिंग और इनहेलिंग का प्रोसेस वो सिखाते हैं। वो सप्ताह में 5 दिन की ट्रेनिंग उनको देते हैं और हर दिन वो 1 घंटा का ट्रेनिंग देते हैं। सप्ताह में 5 दिन और हर दिन 1 घंटे की ट्रेनिंग देते हैं। इस तरह से 3 महीना में फिर उनको बैक एंड फोर्थ सिखाते हैं, आगे पीछे पैर को किस तरह से, पैर से पानी को किस तरह पीछे की ओर ढकेलते हुए आपको आगे बढ़ना है। ये सारे जो स्विमिंग के जो ट्रिक्स हैं, टेक्निक्स हैं, वो सभी वो टीचर उनको सिखाते हैं और 3 महीना में उनको एक परफेक्ट स्विमर बना देते हैं। पर स्टिल उन्हें अभी भी डर था, उन्हें अभी भी अकेले जो जाने से डर था। जब भी होता था तो वो अपने ट्रेनर के साथ ही आते थे, पर एक दिन उन्होंने डिसाइड किया कि कितना दिन मैं ट्रेनर के साथ आऊँगा, कितना दिन मैं एक टीचर के साथ रहूँगा। एक दिन वो अकेले जो है, मैं दूसरे प्लेस का नाम रखी हूँ, ए लेक वेंटवर्थ। वेंटवर्थ एक झील है, उस झील पर गए जहाँ पर वो ट्रिक आइसलैंड के डॉक पर छलांग लगा दिए अकेला ही। पहले तो ये फिर उसी तरह से डूबना शुरू किए, लेकिन फिर उन्हें टीचर की बात याद आई कि आपको किस तरह से एक्सहेलिंग इनहेलिंग करना है, किस तरह से बैक एंड फोर्थ होना है। और फिर वो अपने टीचर का लेसन को याद किए और पानी के ऊपर आ गए। इस तरह से वो पूरा ट्रिग नदी को, ट्रिग आइसलैंड को पूरा वो पार किए, बहुत खुशी से तैरे और फिर वो खुशी से स्क्रीमिंग भी किए, चिल्लाए भी कि मैं जो है अपने डर पे काबू पा लिया। तो इस तरह से विलियम डॉगलस जो है अपने डर पे काबू पा लिए। तो बच्चों, आपको भी इस लेसन से यही मैसेज मिलता है कि अगर आपको किसी बात से डर हो, चाहे किसी बात से डर हो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू ट्राई टू ओवरकम दैट फियर। सबसे पहले आपको उस फियर पर काबू पाना है, क्योंकि जब तक डर रहेगा तब तक जो है आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। डर क्या है? फियर इज इटसेल्फ अ फियर। डर खुद मैनमेड चीज़ है, वो डर कहीं बनाई हुई चीज़ नहीं है, ये मैनमेड चीज़ है, इंसान ने इसको बनाया। बहुत लोगों को अंधेरे में जाने से डर लगता है, बहुत लोगों को पानी से डर लगता है, बहुत लोगों को एग्जामिनेशन, तो एग्जामिनेशन पानी ये सबसे डरना ये इंसान ने बनाया है। तो आप जो रूजवेल्ट ने कहा है कि फियर इज ओनली फियर इट्सेल्फ, मतलब ये अपना बनाया हुआ चीज़ है। आपको हमेशा सबसे पहले, आप तभी भी तरक्की करोगे जबकि आप अपने डर पे काबू पालोगे। तो इस चैप्टर का मैसेज यही है कि आपको डर पे पहले काबू पाना होगा। जैसा कि विलियम डॉगलस ने ये रेस जीता कब? जब उन्होंने डर पे काबू पा लिया। ओके, तो ये चैप्टर आपका आज का ख़त्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊँगी। प्लीज़ कीप वॉचिंग माई वीडियो। ओके, थैंक यू वेरी मच।